हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है पांचवा दिन, गणेश चतुर्थी का पांचवा दिन। हमने पिछले साल भी पाँच दिन रखे थे, तो इस साल भी 5 दिन ही रखे हैं। और आज ये महाआरती है और इसके बाद होगा विसर्जन। गन्नू जी जाएंगे अपने घर, अपनी मम्मी के पास। आखिर उनको भी तो याद आती है। बच्चों ने जब पूछा, उन्हें यही जवाब दिया कि विसर्जन क्या होता है, क्योंकि मुझे और समझ में नहीं आया कि मैं और क्या कह सकती थी। खैर, गन्नू जी आए, इनका पहले इंतज़ार किया। इतना इंतज़ार के बाद वो आए। 5 दिन घर में धूम धाम लगी रही। कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ गया। और अब वक्त है गन्नू जी को बाय कहने का, और ये कहने का, ये आग्रह करने का कि गन्नू जी अगले बरस फिर जल्दी आना। मोरिया रे बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। बस अब हो रही है महाआरती। आज आरती में हमारे साथ है जून। तीनों बच्चे मिलकर पापा के साथ गन्नू जी को लेकर जाएंगे, ताकि वो अपने मम्मी पापा के पास, उनके पास जाएं। तो बस हो गई आरती और अब वक्त है विसर्जन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने विसर्जन के स्थान के लिए बालकनी में एक छोटी सी रंगोली बनाई। उस रंगोली में एक नई बकेट रवि ले आया, उसे पानी भर दिया और साथ में उसमें डाल दिया थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल से शुद्ध जल कोई नहीं होता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और एक बूंद गंगा जल भी किसी जल में जले जाए तो वो पानी गंगा जल ही बन जाता है। तो गन्नू जी के लिए गंगा जल तैयार है उनके घर जाने के लिए और हमारे साथ हमेशा रहने के लिए। और बस अब रवि स्टार्ट कर रहा है गणेश विसर्जन की तैयारी। आइए इसका पार्ट बने और गणेश जी से यह आशीर्वाद मांगें कि गणेश जी महाराज, आप सारे विघ्न दूर करो, सबको सुख शांति प्रदान करो, और जैसे हंसी खुशी हमने इस साल आपकी पूजा की, अगले साल भी हम इसी हंसी खुशी और उत्साह के साथ आपका स्वागत करें, आपका पूजन करें। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना। गणपति बापा मोरिया, चलो प्रेयर करो, प्रे करो, प्रे करो गन्नू जी से। चलो करो, बोलो गणेश जी भगवान, बोलो बप्पा आप जल्दी आना नेक्स्ट ईयर। Yeah.
कैसा लग रहा है आपको? बोलो। इधर देखो, बताओ, अपने विचार व्यक्त करो मेरे साथ, सबके साथ। इधर देखो, हेयर इज द क्राई बेबी। पप्पा के जाने से बहुत दुख हो रहा है। अरे बताओ तो सही। अगर आए हैं तो आप जा क्यों रहे हो, राइट? कुछ ऐसा ही है। और जब गेस्ट इतने खास हो, इतने प्यारे हो, तो उनके जाने से तकलीफ होना तो लाजमी है। बिल्कुल सही कहा ना, पापा आते हैं और फिर जाना तो पड़ता ही है। पापा को भी तो मम्मा पापा की याद आती है। बच्चों को यही समझाया कि क्यों जा रहे हैं भाई, उनको मम्मा पापा की याद आ रही है इसलिए वो जा रही हैं। वो अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। वो अभी कुछ दिन आए थे आपके घर, आपसे मिलने, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अब वक्त है वो अपने मम्मी पापा के पास जाए। और मेरे पतिदेव बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, और पापा हमारे हैं ही इतने प्यारे कि कोई भी उनसे अटैच हो जाए। रवि का बिल्कुल मन नहीं था कि विसर्जन करे, लेकिन जो नियम है वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, मतलब पिछले 5 दिन से सुबह शाम दोपहर पापा के लिए ये बनाना है, पापा के लिए वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। पापा के आने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट, पापा के लिए ऐसे डेकोरेशन करनी है, ऐसे ये करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ वैसे करनी है। वी बोथ वर सो एक्साइटेड, हम लोग इतने एक्साइटेड थे हम नहीं बता सकते, बट ठीक है, जो चीज़ें पार्ट है लाइफ की वो तो वैसे ही होगी, राइट? खैर पापा चले गए मम्मी पापा के पास, और पापा से हम ये प्रे करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें और हमारे साथ हमेशा रहे उनका आशीर्वाद। जब भी कभी कोई संकट आए तो उस संकट को हर ले, उस विघ्न को हर ले, सबको सुख शांति दे, अच्छा स्वस्थ दे, मस्त रखें, अन्न धन धान्य से संपूर्ण रखें। बस यही कामना है पापा से, ना सिर्फ हम, इस दुनिया के हर प्राणी के लिए हम ऐसी ही कामना करती हैं पापा से। खैर अभी यहीं पर एंड करती हैं, आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही, क्योंकि आज सुबह से थोड़े से इमोशंस थे। लाइक मैं रवि को बोल रही थी, देखो विसर्जन का टाइम हो रहा है, उठो उठो। ही वॉज लाइक, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और लास्ट में मैंने कहा कि देखो रात हो जाएगी फिर अच्छा नहीं लगेगा, अभी अब उठ जाओ। तो वो बड़ा मतलब भारी मन से उठा और उसने क्या सब कुछ, और उसने बहुत भारी मन से क्या बट किया, तो इसीलिए आज सुबह से कुछ शूट नहीं किया। तो बस इतना ही, आई होप आप सबको मज़ा आया हो, आप सब ने इन्जॉय किया हो। अगर मज़ा आया, अगर आपने इन्जॉय किया, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना ढेर सारा प्यार हमारे साथ बनाए रखना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।